आपका बाल झड़ना सिर्फ एक दिन के अंदर बंद हो जाएगा अगर आप ये घर में बनाया हुआ ये बेस्ट हेयर ऑयल अगर आप बनाकर इस्तेमाल करोगे बालों के लगाओगे। तो दोस्तों आपका हेयर फॉल का कुछ भी कॉज हो सकता है, हेयर फॉल स्ट्रेस के ऊपर हो सकता है, इसके हेयर फॉल लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है, आपका डीएनए के इशू के ऊपर जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम के लिए आपका हेयर फॉल हो सकता है, प्रॉब्लम कुछ भी हो यकीन मानो घर में अगर आप ये हेयर ऑयल बना लोगे इतना कम खर्चे में ये हेयर ऑयल अगर बना लोगे राइट इसे बनाना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा जो आपके बाल को झड़ने से तो रोकेगा और इतने खतरनाक तरीके से आपका नया बाल आपका ग्रो करेगा आप स्टंट हो जाओगे। सो गाइस ये हेयर ऑयल बनाने के लिए बहुत ही नॉमिनल खर्चा होता है, एक प्राचीन कॉन्सेप्ट है, मम्मी जो दादी जो लोग घर में बनाते ना उस रेसिपी से मैंने बनाया, मेरे मम्मी ने एग्जैक्टली बनाया और वो हेयर ऑयल इस्तेमाल करके आई एम गेटिंग अ डैम गुड नो हेयर ग्रोथ एज यू कैन सी दैट इज लाइक लास्ट लॉकडाउन में क्या हुआ था इतना स्ट्रेस में था तो उससे क्या हो रहा था बाल बहुत झड़ रहे थे मेरी तो मैं इतना परेशान हो गया था क्या करूँ तो बालायम से तो थोड़ा सा बेनिफिट अच्छा सा हुआ, उससे भी बढ़िया बेनिफिट हुआ भाई ये खतरनाक सा हेयर ऑयल से। तो हेयर ऑयल बनाने का प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसको लगाने का प्रोसेस भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो होने जा रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये पूरा होममेड हेयर ऑयल है, तो चलिए मेरा हेयर फॉलिंग का स्टोरी और हेयर फॉल सॉल्यूशन का स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। देखो जो पहला जो चीज़ होता है आपका बाल झड़ेगा अगर आप स्ट्रेस में हो, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, आप ज़्यादा फाइबर रिलेटेड फूड विटामिन मिनरल्स खाना कम खाओगे तो आपका हेयर फॉल होगा। और तीसरा प्रोसेस जो क्या है आपका डीएनए का इशू, डीएनए का इशू का मतलब भाई आपको एंसेस्टर से मीन्स आपका मम्मी पापा दादाजी का किसी हेयर फॉल का इशू है जेनेटिकली वो प्रॉब्लम आपके अंदर आ चुका है। तो कुछ भी इशू हो ये वाला हेयर ऑयल आपको इस्तेमाल करना है, ये हेयर ऑयल इस्तेमाल करने से आपको बेनिफिट होगा, स्ट्रेंथ हेयर का ग्रोथ तो बढ़ेगा, हेयर फॉल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और बालों का जो स्ट्रेंथ वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके लिए आपको 3-4 चीज़ लगेगा, घर में ही मिल जाता है तो खरीद लो, बहुत ही सस्ता मिलता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बोल देता हूँ क्या क्या चीज़ ये हेयर ऑयल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर वन आपको चीज़ चाहिए दैट इज़ द वर्जिन कोकोनट ऑयल, आपको लेना पड़ेगा वर्जिन कोकोनट ऑयल। इंडिया में कोलकाता में कहीं भी जाओ आपको पतंजलि स्टोर का जो वर्जिन कोकोनट ऑयल वो मैंने इस्तेमाल किया ये ऑयल बनाने के लिए। ओके पतंजलि का वर्जिन कोकोनट ऑयल बहुत ही फ्रेश है, बहुत ही बढ़िया है, उसका दाम होता है लगभग 160-170-180 रुपये एक कंटेनर का। वर्जिन कोकोनट पूरा मैंने ले लिया, ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या लिया, मैंने लिया था चार चम्मच मैंने लिया है काला जीरा 4 चम्मच और मैंने लिया 4 चम्मच मेथी पाउडर। मेथी को कहने क्या किया, मेथी को मैंने पहले लाकर उसको भिगो कर थोड़ा सा क्रैश कर दिया राइट, उसको थोड़ा सा मेथी का मैं थोड़ा सा सॉफ्ट वर्शन मैंने ले लिया। ओके मैं मिक्सर ग्राइंडर से मेथी और काला जीरा को पूरा मैंने भून लिया, पाउडर बना लिया मेथी और काला जीरा, और ये पाउडर डालकर तेल के अंदर अच्छी तरह से शेक करके इस कंटेनर के अंदर मैंने रोद एकदम धूप में ओके सनरेज के अंदर आपको रखना है। कितने दिन रखना है, 15 दिन, क्योंकि दोस्तों सनरेज में विटामिन डी और विटामिन डी बालों के लिए गजब का काम होता है। आपको हर रोज करना है, ऐसे ही कंटेनर आप प्लास्टिक का कंटेनर ले सकते हो, बढ़िया होता है कांच का कंटेनर, मैं लेकर इसको अच्छी तरह से लॉक करके आपको क्या करना है हर दिन सुबह को आपको दोपहर को आपको जाकर बस सुबह को जाकर आपको छत पे और जहाँ पर रोद आते हैं जहाँ पर सनरेज या धूप आते हैं आपको रख देना है, ठीक है, और आपको ऐसे 15 दिन रखना है। तो क्या होगा जो सूरज में जो विटामिन डी होता है वो इसके अंदर पूरा आ जाता है। ओके उसके बाद आपको सिंपल 15 दिन बाद आपको इस्तेमाल करने से पहले आप थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से आपको भून लेना, ठीक है, भून लेना और उसके बाद ऐसे ऐसे लगाकर आपको पूरा सर के अंदर एकदम स्कल के अंदर अच्छी तरह से आपको मालिश करना पड़ेगा। घर में अगर कोई है, मम्मी है, कोई दीदी है, उसको बोला बीबी है उसको बोलो थोड़ा सा आपको हेल्प कर दे, ठीक है, अच्छी तरह से कर लेना। और बेस्ट रिजल्ट अगर आप पाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेस्ट रिजल्ट के लिए भाई आपको रात को लगा कर रखो, आपको कैसे रात को सोने से पहले अच्छी तरह से लगा लो, सारे रात इस ऑयल को काम करने दो, ठीक है, सुबह उठकर शैम्पू कर लो कोई भी शैम्पू जो आप इस्तेमाल करते हो राइट। बट एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, मेथी को इंग्लिश में बोला जाता है फेनुग्रीक, मेथी थोड़ा सा ठंडा है, जिसका ठंड लगने का प्रॉब्लम है, ठंडा का थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड का इशू है, आप दिन में लगा के रखो 2-2.5 घंटे लगाने के बाद आप नहा लो शैम्पू कर लो वो भी सेम इफेक्ट रहेगा, पर जिसका कफ एंड कोल्ड का इशू नहीं है, मेरा कफ एंड कोल्ड का कोई इशू नहीं है तो मैं क्या करता हूँ मैं यूजुअली रात को लगा कर सो जाता हूँ। भाई आप कमाल देखोगे, हफ्ते में 3 दिन 2 दिन आप सिर्फ लगाओ
एक हफ्ते के बाद आप इस वीडियो में आकर मुझको थैंक यू बोलना, इतना गजब का ये होममेड हेयर ऑयल है भाई, यकीन मानो जैसे मैजिक की तरह से काम होगा। तो ये इस्तेमाल करके मैंने अब मेरा जो हेयर फॉल मैंने रुका है, माई मॉम यूजेज दैट, माई सिस्टर यूजेज दैट, एंड दैट इज़ अ फैंटास्टिक होममेड हेयर ऑयल। इतना कम बजट में इतना अच्छा हेयर ऑयल अगर घर में ही बना सकते हो तो बाहर जाकर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट आप क्यों खरीदना है। ब्रेड इस्तेमाल करो, यूज़ करो और बेनिफिट लो। ये था थोड़ा सा आज का वीडियो अबाउट द हेयर फॉल इश्यूज एंड ऑल। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।